नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और वीडियो में। आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो चीज़ बहुत ही छोटी है पर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है अगर जिनके घर पे ये चीज़ आ जाती है तब। तो आप अधिकतर देखते होंगे या जिनके घर भी ये चीज़ होती होंगी कि अगर आप हैवी लोड चलाते हो जैसे कि एसी या फिर मोटर वगैरह जब चालू करते हो तो आपका स्टेबलाइजर आउटपुट करंट देना बंद कर देता है। तो ऐसे में आपको लगता है कि जो प्रॉब्लम है वो आपके स्टेबलाइजर के अंदर प्रॉब्लम है। ऐसे हमारे एक भाई ने कमेंट के हमसे सवाल भी पूछा था और मैं इस पे वीडियो बनाने ही वाला था और उन्होंने बाय चांस सवाल भी पूछ दिया। उनके यहाँ भी सेम प्रॉब्लम है, आप देख सकते हो कमेंट में कि यही चीज वो बता रहे हैं। वो जब भी लोड देते हैं उनका स्टेबलाइजर आउटपुट करंट देना बंद कर देता है। ऐसे सिचुएशन में होता क्या है हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले चीज की आप जब भी हैवी लोड चलाते हो तो ऐसे सिचुएशन में होता क्या है कि आपके स्टेबलाइजर में जो आने वाला करंट है उसका वोल्टेज लो होने लगता है। यानी जितने फोर्स से करंट आपको स्टेबलाइजर को मिलना चाहिए उतने फोर्स से नहीं मिलता है। अगर स्टेबलाइजर का इनपुट करंट ही डाउन होने लगेगा तो स्टेबलाइजर आउटपुट नहीं देगा। आप जैसे नॉर्मल चलाओगे तो नॉर्मल स्टेबलाइजर चलेगा, लेकिन जैसे ही लोड दोगे वो बंद हो जाएगा। स्टेबलाइजर के अंदर करंट आ रहा होगा पर वो आउटपुट नहीं दे रहा होगा क्योंकि जो उसके अंदर इनपुट करंट का फोर्स है वो ही कम हो गया है, यानी इनपुट दबने लगा है। तो ये सारी चीजें होती कैसे हैं हम ये जानेंगे और चेक कैसे करते हैं ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहली चीज, आपका डिस्टेंस कैसा है, मतलब कितना है जो आपका मेन वायर आप लेके आते हो, जो केबल लेके आते हो अपने घर के अंदर, वो कितने डिस्टेंस से आता है मेन पोल से। उसकी जो डिस्टेंस है अगर वो 150 मीटर से ज्यादा है फिर आपके यहाँ दिक्कत आ सकता है। लेकिन देखिए हर जगह नहीं आ सकता है, ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में होता है ऐसा। कभी कभी किसी बहुत दूर रहता है कोई तो उनको होता है। अधिकतर अगर करंट का फोर्स बहुत अच्छा है, आप ट्रांसफार्मर के आसपास के ही पोल से अगर लेते हो, अगर 200 मीटर का भी वायर लगा दोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आता है, पर कुछ कुछ लोगों के लिए आ जाता है। प्लीज कमेंट में ऐसे ये लोग मत बोलना कि मैं तो इतने मीटर से लाता हूं तो मेरा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज रहती है कि अगर आप 150 मीटर से ला रहे हो तो वहां थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। और जो तीसरी चीज मैं बात करना चाहता हूं कि बहुत लोग क्या करते हैं ना, सोचते हैं कि यार सस्ते केबल में ही काम चला लेते हैं, हमारा क्या ही वो होगा और हैवी लोड भी चल जाएगा। देखिए ऐसा नहीं होता है। आपको 4mm तक का तो नॉर्मल माना जाता है, अगर नॉर्मल लोड चला रहे हो आप 4mm का वायर लगाओ, लेकिन अगर दूरी आपकी बढ़ जाती है तो आप 6mm का वायर लगाएंगे, यानी 6mm का केबल लगाएंगे। और आप घर में एक एसी से दो एसी जा रहे हो, अगर दो तीन एसी चला रहे हो तो प्लीज 10mm का वायर लगाएं और दूरी भी थोड़ा कंसिडर करें। अगर दूरी ज्यादा हो जाती है तब आपको अपना mm बढ़ाना पड़ेगा वायर का। 10 तो बहुत ही मोस्ट हो गया, 10 से ज्यादा क्या ही जाओगे आप, पर 10 तक जाना सही रहेगा अगर आपके पास ज्यादा लोड है, क्योंकि जैसे जैसे लोड बढ़ता है वैसे ही इनपुट करंट भी आपका दबता है, वो वीक होने लगता है। तो ऐसे में बहुत लोग गलती स्टेबलाइजर की मानते हैं पर गलती स्टेबलाइजर की नहीं होती है। अब इस चीज को चेक कैसे करते हैं ये हम जानेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, स्टेबलाइजर बंद कर दो, जो मेन लाइन से जो आपका आ रहा है उससे पहले MCB वगैरह तो लगा ही होगा, उसको बंद कर दो पहले। फिर आप क्या करो, जो इनपुट करंट है यानी स्टेबलाइजर के अंदर जो इनपुट वाला वायर आप लगा रहे हो उसके अंदर बल्ब लगा दो, 100 वाट का बल्ब का कनेक्शन आप जब कर दोगे तो नॉर्मल रख दो एंड अब आप करंट को चालू करो एंड स्टेबलाइजर पे भी लोड देना चालू कर दे धीरे धीरे। तो आपको क्या करना है, पहले स्टेबलाइजर चालू करोगे तो नॉर्मल बल्ब भी नॉर्मल ही जलेगा क्योंकि जो करंट आ रहा होगा उससे बल्ब तो जलेगा ही जलेगा। फिर आपको धीरे धीरे क्या करना है, अपने लोड्स को बढ़ाने जाना है जो हैवी लोड है, नॉर्मल लोड फैन बल्ब ये सब नहीं, हैवी लोड एसी हो गया मोटर हो गया इसकी लोड्स देना चालू करना है। और फिर आपको अपने बल्ब पे गौर करना है, किसी को रख देना या किसी से चालू करवाओगे तो आपको पता ही चल जाएगा। तो जो आपका बल्ब है वो धीरे धीरे अगर कम होने लगता है लोड देने पे एक एक करके, अगर वो कम होने लगता है तब दिक्कत यही है, वो नहीं कम होना चाहिए। अगर ये कम हो रहा है तो आपका या तो वायर में प्रॉब्लम है या फिर दूरी है उसके वजह से हो रहा है। तो जो मैंने पहले ही शुरुआत में बता दिया आपको 6mm से अब अभी रहना है या तो 6mm तक का वायर होना चाहिए, इन सारी चीजों को आप पकड़ लो, इससे आप समझ सकते हो कि हाँ गड़बड़ी यहाँ पे हो रही है। अगर इसके बावजूद भी काम अगर आपका नहीं बन रहा है तो आप एक और चीज कर सकते हो, थोड़ा इसमें मोटा पैसा खर्चा होगा लेकिन आपको बिजली विभाग से काम लेना पड़ेगा, थोड़ा जीओ के पास जाके थोड़ा सा जेब ढीली करनी पड़ सकती है, मे बी कहीं नहीं करनी पड़ती है। आपको जो मेन वहां पे पोल लगा है उस पोल को आप अपने घर तक एक्सटेंड करवा सकते हो, करवाना तो पड़ेगा ही नहीं तो इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं। जब एक्सटेंड करवा लोगे तो आपका ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो जिनका भी इससे रिलेटेड सवाल था कि भैया हम जैसे ही हैवी लोड देते हैं हमारा इनपुट करंट दबने लगता है या फिर स्टेबलाइजर आउटपुट करंट देना बंद कर देता है, उनके लिए ये सॉल्यूशन था। और हाँ, थोड़ा सा वीडियो में मैं इधर उधर हो
गया, गर्मी बहुत ज्यादा है, आप देख सकते हो मेरे शक्ल पे कैसा दिख रहा है। कोई बात नहीं है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर बढ़िया से सुनोगे तो, अगर नहीं आया तो आप फिर से वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। एंड इससे रिलेटेड और भी अगर आपके सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई दे देता हूँ, लगभग सबका ही रिप्लाई दे देता हूँ, तो आपका भी रिप्लाई मिल जाएगा। तो फिलहाल बस इतना ही, अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप देख सकते हो मेरे वीडियो के नीचे एक थैंक्स करके ऑप्शन होगा, तो आप वहां से मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हो मेरे चैनल को मदद करने के लिए, या फिर मेरा कंटेंट आपको पसंद आता हो तब। एंड लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अगर आपका थोड़ा भी हेल्प होता है मेरे वीडियो से। तो चलिए, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।